हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन या गुणित अनुपात का नियम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन क्या था? सबसे पहले तो ये लॉ दिया था एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन वही जॉन डाल्टन है जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो इन्होंने क्या कहा था, जो ये थे जॉन डाल्टन्स, इन्होंने क्या क्या था कि बताया था कि किस टाइप से केमिकल कंपाउंड कंबाइन होते हैं, उनका क्या रेशियो रहता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो तत्व, कोई भी दो तत्व क्या करेंगे, एक दूसरे से संयोग करते हैं तो मोर देन वन कंपाउंड, तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट। तो एक तत्व का, कोई भी दो तत्व क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं और एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, तो वो डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, तो एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान विच कंबाइन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। एक तत्व के जो अलग अलग द्रव्यमान होंगे दूसरे के फिक्स द्रव्यमान से कंबाइन होते हैं, एलिमेंट बी ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। तो जो ये होंगे एक दूसरे में सिंपल रेशियो में होंगे, मतलब कैसे होंगे, सरल अनुपात में होते हैं। इसी को इन्होंने कहा था मल्टीपल प्रोपोजन। मतलब क्या था इनका, कि हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे और उनकी इस तरीके से रिएक्शन करेंगे कि अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, और अलग अलग जब कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें से एक का मास तो फिक्स रखेंगे और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज हो गया। इसको हम कैसे समझेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो रिएक्शन होती है, तो ए और बी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो बन सकता है आपका ए बी, है ना, और दूसरा प्रोडक्ट बनता हमारा ए बी टू। तो ए का हमने मास फिक्स रखा और दूसरे क्या करें, चेंज करते हैं, जैसे तो बी का मास इसमें एम वन और इसमें बी का मास एम टू, तो जो इनका रेशियो आएगा एम वन अपॉन एम टू, ये कैसा होगा, सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर में होगा, साधारण सरल अनुपात में होगा, मतलब सिंपल रेशियो में होगा जो इनका अनुपात होगा। अब इसको कैसे समझेंगे हम, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रियाएं होती है तो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा लिया हमने ऑक्सीजन। अब जब रिएक्शन करेंगे तो एक तो बनाते हैं हमारा H2O, है ना, और एक फॉर्मेशन होता हमारा H2O2, इसको क्या कहते हैं हम, H2O को वाटर मॉलिक्यूल, है ना, और हाइड्रोजन का वैसे एटॉमिक मास होता कितना है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात करें, हाइड्रोजन इसमें 2 है तो इसमें हमने हाइड्रोजन के 2 ग्राम ले रखे हैं और एक ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है 16, तो इसके 16 ग्राम, ठीक। और यदि हम इसमें बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन के यहाँ भी कितने हैं, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन के कितने, दो एटम ले रखे, मतलब कितना, एक का कितना होता 16, तो दो का कितना होगा 32, मतलब 32 ग्राम। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसका रेशियो तो फिक्स रखा, किसका, हाइड्रोजन का रेशियो, इसमें भी 2 ग्राम, इसमें भी 2 ग्राम, लेकिन इसका रेशियो चेंज हो गया, इसका रेशियो क्या है, 16:32, 16:32, या इसको कह सकते हम 1:2, 1:2, तो ये क्या आ गया, सरल अनुपात में आ गया। तो ये इनका कहने का मतलब था कि कोई भी दो तत्व जब एक दूसरे से संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे टू डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, तो एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान, एक तत्व जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, इसके अलग अलग द्रव्यमान कंबाइन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे के फिक्स मास के साथ, हाइड्रोजन का फिक्स मास रखा, इससे उन्होंने संयोग करके क्या लिया, वेयर सिंपल रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे के साधारण सरल अनुपात में होते हैं, इन दोनों क्या हो गया, एक सरल अनुपात आ गया 1:2 और 1:2, इस रेशियो में आ गया जो हमारा इसका रेशियो है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के
सरल अनुपात में है। तो ये था इनका गुणित अनुपात का नियम। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जिसके थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जब रिएक्शन करेंगे हम किसके बीच में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब रिएक्शन करता है तो जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग यौगिक बनाते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, उनको हम समझते हैं इसमें। इधर लिखते हैं उसके ऑक्साइड जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रखा है, इधर लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन। हर एक कॉलम में इसी के अंदर बना रहा हूं, इसको हम समझेंगे क्यों बनाया मैंने फिर। और दूसरा है वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें भी एक कॉलम बना के छोड़ता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट हम यहां पे कंपाउंड लेते हैं N2O, ठीक है। N2O नाइट्रोजन जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, और एटॉमिक नंबर 7 तो उसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है उसका, 14 या 14। और दो नाइट्रोजन एटम है तो 14 2 28, कितना 28। और ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन का 1 है ना, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 होता है। दूसरा हम पे इसका ऑक्साइड है NO, ठीक है। NO जो ऑक्साइड है इसमें भी नाइट्रोजन का कितना है, 1 है, तो 1 का होता 14, ऑक्सीजन कितना होता 16, यहां भी उतना ही रहेगा। दूसरा हम पे कंपाउंड आता N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के 2 है, 1 नाइट्रोजन 14, 2 के 28, और इसमें कितना होगा, 3 के लिए कितना आएगा, 8 2 8 24, कितना रहेगा 24, ठीक है। इसका N2O4 आएगा, एक कंपाउंड होता N2O4 नाइट्रोजन के, फिर 28 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कितना होता है ये 832, इसमें कितना होगा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का ये आएगा होगा 32, ठीक है। अब जब इसका 32 क्यों होगा, कितना होगा इसका 16 दूनी 32 16 48 48, तो यहाँ पे होना था इसका 48, और इसमें कितना होना पंजे, कितना होगा 64 है ना, कितना आएगा 64 आएगा इसमें। और एक कंपाउंड और होता है N2O6, N2O4 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन टेट्रा एंड पेंटा, इसमें क्या होगा टेट्रा, तो इसमें कितना होगा 16 32 16 48, और इसमें कितना होगा 64, इसमें होगा 16 64, और इसमें कितना होगा 80, अब सही आ गया इसमें, ठीक है। और इसमें अभी नाइट्रोजन कितना था 28 था, तो अभी तो इसमें फिक्स रेशियो नहीं है। अब देखेंगे आप इसमें कोई रेशियो, फिक्स रेशियो होता यदि यहाँ पर कितना होता 14, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इनमें भी फिक्स रेशियो आना चाहिए, एक होल नंबर में इसको इंक्रीज होना चाहिए। अब इसको होल नंबर में लेने के लिए हम करेंगे क्या, 8 2 16, 8 2 16 और 14 2 28, ठीक है। इसको हम ऐसे रखेंगे, 16 लिया, इसमें 14 लिया, पहले ऑलरेडी 14 है, अब इसमें कितना होता 16 3 48, तो इसमें कितना आएगा यहां पे, मतलब इसके 2 से करेंगे यदि हम, 14 2 28 और 24 2 48, वो 24 2 48, ठीक है। अब इसको भी हम 2 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यदि इसको 2 से करते हैं तो कितना हो जाता उस टाइम 32, फिर इसको भी 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 2 28 और 42 2 80 40 2 80। अब देखो ये तो हमने फिक्स कर दिया रेशियो, किसका, नाइट्रोजन के रेशियो हमने फिक्स कर दिया, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, या फिर पेंटा ऑक्साइड की बात करें तो इनमें ये हमने फिक्स कर दिया रेशियो, ये फिक्स रेशियो है इसका, रेशियो फिक्स हो गया, ये फिक्स रेशियो है किसका, फिक्स रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और फिक्स रेशियो ऑफ
नाइट्रोजन। अब फिक्स रेशियो जो हमने लिखा है, इस फिक्स रेशियो में आप गौर करेंगे यदि, तो इधर 14 14 इसको हमने फिक्स कर दिया इसका रेशियो, लेकिन इसको 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, तो एक ही टेबल में आता 1:2:3:4:5। तो ये कैसा रेशियो आएगी, सिंपल रेशियो आ गया, सिंपल होल नंबर में आ गया रेशियो। कब, जब हमने एक के मास को फिक्स किया और इसने अलग अलग एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करी, तो क्या हो गया, अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन हुए, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुए उसमें से नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स था, लेकिन इसका हमने सरल अनुपात में इसको इंक्रीज कर दिया। इसी को कहा था इन्होंने जॉन डाल्टन से गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन। ठीक है, तो क्या इस लॉ में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में, कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। जब दो तत्व, कौन से डिफरेंट तत्व, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में, किसके, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है, कौन सा, वही अनुपात होता है अथवा उसका एक पूर्णांक अनुपात होता है। मतलब कैसे होंगे, पूर्णांक अनुपात में, मुझे दो तत्व होंगे, दो एलिमेंट्स कोई भी जब कंबाइन हो रहे हैं किसी तीसरे तत्व से सेपरेटली, तो उन दोनों के अनुपात में, उन दोनों को वही अनुपात होगा या उसका एक पूर्णांक अनुपात होगा। कैसे समझेंगे उसको, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। हम पे कोई एग्जांपल है, कोई केमिकल रिएक्शन है A+B, ठीक है, और ये फॉर्मेशन कर सकता है AB का, जिसमें हमने इसका लिया x ग्राम, इसको लिया आपने y ग्राम, तो ये जो बन गया XY बन गया हमारा। ठीक है, सेम टाइम में बी रिएक्ट करता सी से, बी कितना ले रहे हैं वाई ग्राम, और सी को हम लेंगे फिर उसमें जेड ग्राम कर सकते हैं, तो सी भी जो प्रोडक्ट बन गया इसके हो गए जेड वाई ग्राम। ठीक है, और हमने क्या कहा, जब दो अलग अलग तत्व संयोग कर रहे हैं तो कंपाउंड बनाए, और दो अलग अलग तत्व क्या तीसरे तत्व से संयोग किया बी इस सी के साथ, बी ने भी रिएक्शन की और सी क्या अगर ए से भी रिएक्शन करता है, तो जो इनका रेशियो होगा, ठीक है ना, ए एंड सी का मास रेशियो ऑफ ए सी, अब ए सी की हम बात करेंगे, इनका जो मास रेशियो होगा क्या होगा, इसका कितना जेड रेशियो वाई होगा, तो इसमें कॉमन कौन सा है, वाई इसमें कॉमन है। तो दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसके एक पूर्णांक गुणक अनुपात में होता है, किसमें, विच द कंबाइन विद ईच अदर, जिसमें वह स्वयं एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं, जिसमें वो एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं उसमें उनका तो वही अनुपात होता है या उसका एक पूर्णांक अनुपात होता है, इनका, इनकी बात कर रहे हैं हम। ये जो दोनों है यहाँ पे ए और बी संयोग किया, ए भी बन गया और फिर इसमें बी कॉमन था दोनों के लिए, है ना, तो इनका जो अनुपात है तो वही रहेगा या उसका एक पूर्णांक अनुपात होगा जिससे वो संयोग हो रहे हैं, सी का पूर्णांक अनुपात होगा। जैसे हम पे एक एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ या रिएक्शन किसके बीच में पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शन बिटवीन, इसमें हम पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर, इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में इसको हम अच्छे समझ पाएंगे, जो स्टेटमेंट था इनका, किसने, एक हम पे है कौन सा, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है सल्फर, और तीसरा क्या आपके पास ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से,
क्या फॉर्मेशन होता है यहां पे, वाटर H2O बनता है। और जब हाइड्रोजन सॉरी गैस का नाम ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन कर सकता है SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ने भी रिएक्शन किया ऑक्सीजन से और सल्फर ने भी रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, और क्या करते हैं दो, हमने कहा दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। इसका फिक्स मास है और इससे दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट। द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम, जिसमें कंबाइन हो रहे उसमें क्या होंगे दोनों सेम होंगे, और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, ये तो सेम होंगे या उसके गुणित अनुपात में होंगे, विच द कंबाइन विद ईच अदर, जिसमें एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो इसमें क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कंबाइन हो सकता है रिएक्शन कर सकते हैं, और सल्फर और ऑक्सीजन ने भी रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, दोनों अपने में कंपाउंड है, और तीनों भी क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन और सल्फर भी रिएक्शन करके H2S फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जब हम इनके रेशियो की बात करते हैं, वाटर में H2O होता हमारा वाटर H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है 16। वाटर की सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं SO2, या फिर पहले H2S ही लिखता हूँ मैं H2S, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और सल्फर कितना है 32। इसकी मैं बात करूँ सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो सल्फर का कितना होता 32 और इसमें भी कितना है 32। तो अब यदि मैं इसको डबल कर दूं यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल करूँ तो कितना हो रहा 4, ये कितना हो गया 32। तो इसमें क्या है 2 और ये 32, ये भी 32 और 32। तो हमने क्या कहा, दो ही रिएक्शन की जिसमें कौन सा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया वाटर बना, और ऑक्सीजन ने मतलब समझो तो हाइड्रोजन ने किया, ऑक्सीजन ने क्या किया हाइड्रोजन से भी रिएक्शन किया 32 रेशियो में, और इसी ऑक्सीजन ने सल्फर से भी रिएक्शन किया 32 के रेशियो में। तो इसने अपना रेशियो फिक्स रखा है ना, जो कंबाइन हुआ सेपरेटली दोनों से, और जो तीसरा निकला वो इसका वही अनुपात रहा, इसमें भी 32 था इसमें भी 32 था, और जो तीसरे ने रिएक्शन किया सल्फर इसका भी कितना है 32 ऑलरेडी है, तो जो ये कंपाउंड बना इसका कितना हुआ, जो रेशियो रहा फिक्स रह गया इसका। तो इसी को इन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। तो अब इसमें रेशियो की बात करें तो ए और बी की रेशियो कितना है, जो H2O का रेशियो 1:8 है ना, और H2S में इसमें रेशियो कितना रहेगा 1:, कहेगा कितना रहेगा 2:16:32। तो ये 1:2 रहेगा, तो जो इनका अनुपात आता है कितना है 1:16 सॉरी। तो अब जो ये अनुपात आ गया, जो रेशियो हमारा आया इसमें कितना आएगा रेशियो 1:8 और दूसरे के आगे हम पे 1:16 1/8 के फॉर्म में और 1/16 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो आया इसी को हमने कहा रेसिप्रोकल, जिसमें क्या हुआ एक दो को जब कंबाइन किया तीसरे के सेपरेटली दो ने कंबाइन होके तीसरे कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्शन करके तीसरा कंपाउंड फॉर्मेशन किया। तो इसने दोनों से किया अपना मास फिक्स रखा, और जो इसका मास था वो तीसरे का वही अनुपात आ गया, ठीक है ना। तो इसी को उन्होंने कहा था रेसिप्रोकल लॉ, ठीक है। इसके बाद एक लॉ और आता है हमारा, इसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं गेलुसेट लॉ। तो हमने जब कल ये लॉ पढ़े थे तो उसमें मैंने डिस्कस करवाया था कि जो फोर्थ लॉ थे, जो चारों थे, ये सब मास डिपेंडेंट थे, किससे रिलेशनशिप किसके तो मास के बीच में बताते हैं ना। अब जो ये फिफ्थ लॉ है गेलुसेट लॉ, ये रिलेशनशिप किसमें बताता है, वॉल्यूम रिलेशनशिप को, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम नियत रखते हैं तो उस कंडीशन में समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। सिंपल लॉ है
कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर समान ताप और दाब पर क्या होगा, समान आयतन में, सेम वॉल्यूम में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सेम। तो समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। लॉ किसका था, गेलुसेक लॉ का। जैसे हम रिएक्शन समझे थी, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं 2HCl, ठीक है। तो इसका कितना आयतन लिया हमने, वन वॉल्यूम लिया इसका, इसका भी वन वॉल्यूम, और जो बन गया इसके टू वॉल्यूम फॉर्मेशन हो गया। तो हमने क्या कहा था कि समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो इसमें हमने वॉल्यूम जब सेम कर रखा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जब कॉन्स्टेंट थी, तो हमने क्या कहा, समान आयतन में वॉल्यूम कितने, टू, तो अणुओं की संख्या भी समान है, कितने हैं, टू हाइड्रोजन के और टू किसके हैं, क्लोरीन के, तब बन गया हमारा 2HCl। तो ये आज के लिए लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स लॉ से, और उसके बाद अदर लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।